check whether left hand side is equal to right hand side or not, right? एक स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि वेन एवर यू से ए क्यूब इज इक्वल टू बी, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ बी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स वेन एवर देर इज क्यूब एंड क्यूब रूट. ओके बेटा, सो दिस इज द रिलेशन वेन यू. ओके, चिल्ड्रन आर शिफ्टिंग. ओके, मूव फास्ट. गुड. आई एम राइटिंग फर्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग डाउन करो तब तक. Yes. जो बच्चे अभी अभी आए हैं दूसरी क्लास से, सेटल डाउन फास्ट बेटा. वेरी गुड. ई सेक्शन, गिव स्पेस टू ईच अदर. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सी दिस इज ट्रू और फॉल्स. वी हैव टू चेक वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट. ओके, I have written this relation. You know it already. This is called cube root. You know cube root of b, and this is called cube of b. Cube of sorry a. Right? Please remember उन दोनों का when we speak, तो what is their representation? Cube means power 3. And cube root means power 1/3. You know it, okay? जिनको नहीं आता है इसको, you can write it also. It is b raised to power 1/3. अगर किसी को लिखना है तो you can write it down. This all. ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का. You must be knowing it already, okay? Since you are doing this for the first time मेरे साथ, इसलिए I am explaining it. If you want to note down, you can note it down. A cube is equal to B. It means A is equal to 3 जो पावर है जब वो ट्रांसपोर्ट ओके राइट साइड पे जाएगी वो पावर बन जाएगी उसकी क्यूब रूट. लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब था, राइट हैंड साइड में जाके वो क्यूब रूट बन गया. क्यूब रूट को हम पावर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर 3 को लिखते हैं, उसका मतलब होता है B की पावर 1/3. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई व्हेन वाई इज इक्वल टू 3. हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं. हमें ये चेक करना है कि 1728 क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. चेक करना है कि क्या ये 12 है. ओके, उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि 1728 क्या वो 12 का क्यूब है. हमें ये चेक करना है. दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमारे पास यहाँ पे 1/3 पावर थी, जब वो हमने ट्रांसपोज किया उसको राइट साइड पे तो वो पावर बन गई 3. रेसिप्रोकल हो जाती है वो. तो हमें ये चेक करना है कि 12 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर ये आता है या नहीं. प्लीज चेक इट एंड टेल मी ट्रू और फॉल्स. एवरीबडी डू. आई विल कॉल द नेम. ओके, कई बच्चे बहुत फास्ट कर लेते हैं एंड कई बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, जस्ट आंसर लिख लेते हैं. सो आई विल कॉल द नेम बिफोर यू टेल मी द आंसर. मल्टीप्लाई 12 3 टाइम्स टू चेक द कैलकुलेशन. जी सेक्शन, सिमरन. I can see many hands in G section. Simran, have you done?
Is it true? Yes. Have you checked it nicely? Yes. Who have found true? Raise your hand. Who have done it? 12 को 3 times multiply करके. Very good. Sit down, बेटा. Second one is बहुत simple questions हैं. Okay. सिर्फ उनके cubes आपको check करने हैं कि वो उसके equal है कि नहीं है. Second is cube root of cube should be inside the square root sign. Please remember 27 square. Is equal to 9. To make the question simple, we will first of all transfer this cube root on the other side. It will be 9 raised to power 3. Cube root ko khatam karo. ठीक है, it becomes scary. ठीक है, तो उसको हमने ट्रांसपोज करके 9 raised to power 3 किया. We have to check whether 27 square is equal to 9 cube or not. Simple. Rough column आपका रेडी रहना चाहिए. नीट एंड क्लीन आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स. रफ कॉलम में फटाफट से चेक करो और बताओ. ए सेक्शन बी रेडी. आई एम गोइंग टू कॉल यू फ्रॉम यू. 8 क्लास में हो आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करो. लिपसिंग करो, मुंह से बोल बोल के लिखो. कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती है. ए सेक्शन तरुण. आई थिंक ए सेक्शन इज कंबाइंड विद समबडी. तरुण इज देयर. चेक करो ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स. I can't see Tarun over here. F section, first child near the dice. Yeah. मैम ट्रू This is true. Yes. You have calculated. This is true. You can write the answer. Okay. दो दो स्टेप में ही क्वेश्चन करना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन इज लिटिल बिगर बट नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत सारी पावर्स हैं. ध्यान से पहले उसको कॉपी डाउन करो. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 19 रेज टू पावर 2. स्क्वायर रूट का चैप्टर याद करो, क्या क्या किया था उसमें. टू रेज टू पावर, इट इज टू इज इनसाइड. यहाँ पे टू इज इनसाइड क्योंकि उसके बाहर एक और ब्रैकेट है. टू इज हियर, देन 1/2 इज आउटसाइड. ओके, एंड दिस इज होल पावर रेज टू पावर इज 1/3. ध्यान से पहले क्वेश्चन को रेकग्नाइज कर लो. What do you understand by power 1/2? X raised to power 1/2. क्या मतलब होता है इसका? Who will tell me? X raised to power 1/2. A section, वंदना. ए सेक्शन कहां पे कंबाइन है? बी के साथ कंबाइन है. आई कांट सी एनी चाइल्ड. आई थिंक ए इज नॉट देयर टुडे, है ना. ओके, फ्रॉम बी सेक्शन नवजोत. कम फास्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स रेज टू पावर 1/2? वन बाय एक्स पावर टू No. Is it all right? 1/x raised to power 2? Why you are reciprocal, making reciprocal of this number? Why? हमारी बात तो पावर की हो रही है, हमने बेस को नहीं चेंज करना. x raised to power 1/2. आपने पढ़ा नहीं है उसमें स्क्वायर रूट के चैप्टर में? दिस इज स्क्वायर रूट x. स्क्वायर रूट x मीन्स x raised to power 1/2. किस किस को याद है? रेशो हैंड. स्क्वायर रूट के चैप्टर में आपने किया था बेटा. ओके ओके, प्लीज रिकॉल. ओके, आपने काफी पहले ये चैप्टर किया था. एक्स रेज टू पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स. एक्स रेज टू पावर 1/3 का मतलब है
क्यूब रूट ऑफ एक्स, प्लीज रिमेम्बर, लिख लो इसको। अगर ये चीज नहीं आ रही है तो आपको मुश्किल होने वाली है फिर चैप्टर, इस चैप्टर में भी और आगे भी। प्लीज राइट इट। स्क्वायर रूट जो है, साइन जो स्क्वायर रूट का है, दैट हैज कम फ्रॉम पावर 1/2। और क्यूब रूट का जो साइन आया है, दैट हैज कम फ्रॉम पावर 1/3। हाँ जी, डी सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड ये निकाल रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन, मैम फॉल्स फॉल्स है। वाई बेटा, वाई? क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और वहां पे 19 और 12 एज इट इज आ जाएगा। यस, हमारे राइट साइड पे 4 है, यहाँ पे हमने चेक करना है क्या ये 4 के इक्वल है कि नहीं है। नाउ हियर एवरीबॉडी, ही हैज डन वेरी करेक्टली, ही हैज डन, दिस इज 19 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 2। आपने एक्सपोनेंशियल का चैप्टर कर लिया हुआ है, यू नो इट हाउ टू टेक द पावर्स। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 2 हैज गॉट कैंसल्ड, प्लस 12 रेज टू पावर, हियर ऑल्सो 2 हैज गॉट कैंसल्ड, इट इज ओनली 12, सो वी हैव गॉट 19 प्लस 12। क्या 19 प्लस 12 4 के इक्वल होता है? नहीं मैम 19 प्लस 12 इक्वल्स टू 30। तो गलत। यस, क्यूब रूट है, हम उसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर जाएंगे तो वो क्यूब ऑफ 4 आ जाएगा। हाँ, ये जो 3 हमने ट्रांसफर किया ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इज इट इक्वल? मैम नो, क्योंकि अगर 19 और 12 को प्लस करें तो 31 आंसर आ रहा है, जबकि 4 का क्यूब 64 होता। यस, 31 यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 4 इज टू पावर 3 है, दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। प्लीज नोट इट डाउन, पहले तो पावर को आपको बेटा पता होना चाहिए, पावर को लिखना कैसे है। राइट इट, अंडरस्टैंड इट, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके, पूरा क्वेश्चन कॉपी डाउन करो। जिन जिन को थर्ड क्वेश्चन समझ आ गई है रेज योर हैंड, कि हमने पावर्स को क्या किया है और क्यों किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे हम यही यूज करने वाले हैं बार बार, ठीक है? रेपिटेशन से आपको और समझ आएगी, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ एक्स, प्लीज रिमेंबर क्यूब रूट शुड बी इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन, ओके, इज इक्वल टू -6, देन एक्स इज इक्वल टू -216। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यहां पे इफ भी कर सकते हो, इफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6, देन एक्स इज इक्वल टू -216। सी सेक्शन में सेकेंड बेंच पे चिल्ड्रन, यस, एनी वन ऑफ यू स्टैंड एंड कम फॉरवर्ड, सी सेक्शन सेकेंड बेंच, एम दिस इज ट्रू, यू हैव डन इट, ओके बेटा, सेंड दिस चिल्ड्रन, इनमें से किसी एक को भेजो, ये सेकेंड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, आपकी इधर आपके लेफ्ट साइड पे, आप नहीं, आप नहीं बेटा, इधर इधर कॉर्नर में, आपके पीछे जो खड़े हैं ना, इधर बॉयज जो बैठे हैं इधर सेकेंड बेंच पे, आपके राइट साइड पे, हाँ जी, सेंड हिम, हाँ जी बेटे, हैव यू डन इट, ट्राई किया आपने? मैम नो, यू हैव नॉट ट्राइड बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग ऑल्सो। योर पार्टनर, अपने पार्टनर को भेजो इधर आगे, आई वॉन्ट टू सी कि वो उसका नो आया यस है। हाँ जी, हैव यू स्टार्टेड? यस आई एम ट्राइंग। हाउ वुड यू स्टार्ट, टेल मी हाउ वुड यू स्टार्ट, बी हियर, क्लासेस,
थ्री डिवाइडेड बाय -200 6। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, तुम दोनों बातें कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, सिट डाउन, लिसन टू मी केयरफुली, दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, ओके? अगर बातें करोगे तो वो सिंपल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। आई एम डूइंग इट स्लोली ताकि आपको सब कुछ समझ आती रहे, मेरे साथ साथ ही आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए, इफ यू विल लिसन टू इट केयरफुली। ओके, फर्स्ट काम हमारा यहाँ पे ये है कि क्यूब रूट को हमने ट्रांसफर करना है, वी विल बी डूइंग -6 raised to power 3, बस इतनी सी बात है। वी हैव टू चेक वेदर एक्स इज इक्वल टू -216 और नॉट, चेक इट, मल्टीप्लाई एंड चेक इट, क्या वो इसके इक्वल आ रहा है? हु से ट्रू, रेज योर हैंड, काफी बच्चों ने कर लिया है ये, आई नो, यस, वेरी गुड, दिस इज ट्रू, हु हैव नॉट डन इट, दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड दे हैव टू बी फास्टर, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जिनको थोड़ी सी ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि और सारे क्वेश्चन जो पिकुलियर हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर बुक, ओके, बट कंसेप्ट इज सेम। क्यूब रूट ऑफ 480 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2, 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान से देखना उसको, 2 इज अलोन, दूर दूर लिखो उसको, 2 इज अ सिंपल नंबर, दे आर सोइंग, दे आर आस्किंग देन एक्स इज इक्वल टू 20, वी हैव टू चेक इट कि क्या एक्स इज इक्वल टू 20 आ रहा है, अगर ये है तो। ठीक है, प्रोसेस अपना फॉलो करो, आपको पता है स्क्वायर रूट को कैसे ट्रीट करते हैं, क्यूब रूट को कैसे ट्रीट करते हैं, 480 इज इक्वल टू दिस, ओके? तो पहले हम 480 को सिंपल बनाते हैं, वी विल से क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, पहला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, आई एम डूइंग फॉर यू, इसके पावर 3, पूरे की पावर 3 आएगी, क्योंकि पूरा उसका जो 1/3 है ट्रांसफर होके यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर की पावर 3 बन गई है। प्लीज रिमेम्बर, दिस इज अ सिंगल नंबर, दिस होल इज अ सिंगल नंबर, इसलिए पावर 3 जो है वो पूरे के पूरे नंबर के ऊपर चली जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, तो इसलिए हमने इसको अभी ध्यान से करो, हाउ टू गो, दिस इज 2, ओके, नाउ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 20, सो लेट अस राइट इट, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 20 रेज टू पावर 3, हमें चेक करना है कि क्या 20 लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं। तो अभी हमने क्या करना है, आपको दिख रहा है कि क्यूब रूट जो है वो 3 के ऊपर भी है, 20 के ऊपर भी है, लेकिन 2 के ऊपर नहीं है, तो 2 को हम सेपरेट कर देते हैं, कैन वी राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 20 इंटू 2, कैसे कर सकते हैं, रेज टू पावर 3, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस स्टेप इज क्लियर, इसको अंडरस्टैंड करो बेटा, क्यूब रूट वाले जो दो नंबर थे उनको हमने इकट्ठा कर लिया, एक ही क्यूब रूट के अंदर हमने 3 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, सी एवरी स्टेप केयरफुली, ठीक है, एक्स एंड 2 raised to power 3 इज स्टिल देयर, 2 raised to power 3 अभी तक हमारे पास है, ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ,
एनीबडी ट्राई इट एक्सक्यूज मी मैम, बेटा? एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। बेटा दे आर सेइंग कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन एक्स इज इक्वल टू 20, दे आर सेइंग कि एक्स इज इक्वल टू 20 होगा। तो हम चेक करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 20 लिखने के बाद क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। हमने तो ट्रू और फॉल्स बताना है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हमने एक्स इज इक्वल टू 20 यहाँ पे लिखा, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा या नहीं। टॉप पे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज देयर देन एक्स इज इक्वल टू 20। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था ना, फोर्थ क्वेश्चन में, कि इफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6 देन एक्स इज इक्वल टू -216। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो उसकी वैल्यू डाल के, तब भी आपको सेम ही आएगा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो आ रही है तो हम बोलेंगे कि येस एक्स इज इक्वल टू 20, अगर नहीं आ रही तो हम बोलेंगे एक्स इज दिस इज फॉल्स। ओके, एनी एनी पॉइंट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टिल हेयर, दिस इज क्लियर? मैं 480 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 60 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 को हमने सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, प्रोडक्ट में है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट के चैप्टर में भी आप करते थे, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, ये सेपरेट हो गए। तो अब ये आपके पास आ रहा है 480 इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, ये नंबर क्या आएगा सोच के बताओ जरा। ये आपको पता चल गया सबको, ये 60 आ गया। हैव यू कम टू नो, रेज योर हैंड, किस किस को पता चल गया ये 60 कैसे आए। देखो बेटा यहाँ पे था 60 रेज टू पावर 1/3, उसकी पावर थी 3, तो 3 3 कैंसिल हो गए तो ये 60 बन गया। इज इट कमिंग आउट टू बी 480? यस, साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज ट्रू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है आई नो, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए किया स्लोली स्लोली। आपको कुछ पूछना है किसी स्टेप में, यू कैन आस्क मी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन फॉर यू, बट आई विल टेल यू दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर, क्वेश्चन इज कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन एक्स इज इक्वल टू 20। आपको चेक कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू 20 पुट करें तो क्या लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आता है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 480 को पहले इसका जो क्यूब रूट था हमने ट्रांसपोज करके यहाँ पे पावर 3 बना दी उसके, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 20। ये हमने वैल्यू यहाँ पे 20 लिख दी, देन वी सॉल्व दिस होल ब्रैकेट, इसको स्टार लगा रही हूं मैं, फिर हमने पूरी ब्रैकेट को सॉल्व किया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3 यहाँ भी है और क्यूब रूट ऑफ 20 यहाँ भी है, हमने क्यूब रूट वाले दोनों नंबर को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे एक ही ब्रैकेट के अंदर कर लिया, बाकी बचा 2, 2 को हमने सेपरेट कर लिया इस स्टेप में। इसकी भी पावर 3 है, 2 की भी पावर 3 है, इसकी पावर 3 हमारे पास 60 बन गया, इसकी पावर 3 हमारे पास 8 बन गया। वी केम टू नो कि जब हमने इनको सॉल्व किया इट केम आउट टू बी 480, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच वॉज आस्ड कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए थिंग इज सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू। इसको स्टार लगाओ क्वेश्चन को, ठीक है, घर पे रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी टुमारो ऑल्सो। ओके चलो अभी 6 शुरू कर रहे हैं बेटा, गो थ्रू वंस मोर एट होम। ओके एक्सक्यूज मी मैम,
से सिंपल प्राइम फैक्टर से नहीं कर सकते? ओके किसी ने किया सिंपल फैक्टराइजेशन से? आपने जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं मुझे पता है उसी से किए हैं बुक में, है ना? फैक्टराइजेशन से किए हैं ना? ओके अगर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग वंस मोर, अगर आपको डाउट लग रहा है तो लेट अस सी दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 ये था, क्यूब रूट ऑफ 480 आपने जो क्लास में किया हुआ है इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो आप अगर इसको फैक्टराइजेशन से करते हो, टेल मी इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ रही है 480 की, ठीक है 480 की बताओ मेरे को फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। इज 2 से स्टार्ट करोगे, पावर फॉर्म में बताओ मेरे को। अगर इसको आप नॉर्मली फैक्टराइजेशन, अगर आपको कई बच्चों को फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है या फिर कई बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको क्विकली भी कर सकते हो। 48 किसके टेबल में आता है? पावर फॉर्म प्लीज, क्योंकि आपने इसको पावर फॉर्म में यूज करना है। इट इज कमिंग आउट टू बी 30 इंटू 3, 30 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3, इज इट? ठीक है, स्लोली स्लोली, पहले आपने इसको ब्रेक किया 60 इंटू 8, फिर आपने इसको फर्दर ब्रेक किया, इसको और ब्रेक करो फर्दर, यू विल कम टू नो। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो, 6 5s are 30 into 2 raised to power 4, देन इट इज क्यूब रूट ऑफ 2 raised to power, व्हाट इज कमिंग टेल मी द पावर फॉर्म, 2 raised to power 5 into 3 into 5, इज इट कमिंग दिस वे? सबने निकाली है प्राइम फैक्टराइजेशन? रेशो हाँ, किस किस ने निकाला ये प्राइम फैक्टराइजेशन से 480 के फैक्टर्स जो आप बुक में फॉलो कर रही हो मेथड अपना? ओके गुड, कोई बात नहीं, जो जिन बच्चों ने अभी नहीं किया दे कैन कॉपी डाउन, उनको पता है ये प्रोसेस, आपको पता है कि कैसे ये फैक्टर्स इसके बनते हैं, ठीक है? नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हो वहां से आपके ये फैक्टर्स आएंगे 2 रेज टू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब आपके पास यहाँ पे है, राइट साइड पे है क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x, यू कैन राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू x, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं और 2 को हम सेपरेट कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। ओके तो यहां पे आपके पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ, ये जो नंबर आ रहा है 2 रेज टू 5 इंटू 3 इंटू 5 जो है, इसको आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या स्टेप कर सकते हैं? आई एम फॉलोइंग योर मेथड, जिस मेथड से आपने किया होगा, ठीक है? तो उस मेथड से आपका क्या आना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वो 2 के इक्वल कैसे आएगी। ओके तो ये भी पूरा क्वेश्चन आपकी फॉर्म में बन जाएगा कि हाउ टू सॉल्व इट नाउ। तो बेटर यू डू बाय दैट मेथड जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम क्यूब रूट को पहले ट्रांसपोज करके उसको सिंपल नंबर बनाते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अब यहां पे आपके पास क्या आने वाला है, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 15 अपॉन 3x, इसका मैंने क्यूब रूट यहां पे ट्रांसफर कर दिया। कैन यू डू लाइक दिस? इसको कर सकते हो ऐसे? ये चीज, ये स्टेप समझ आया आपको? इसकी जो पावर 1/3 थी, पूरे की 1/3 थी, उसको मैंने इधर ट्रांसपोज करके इधर कर दिया, पावर 3 बना दी। दिस स्टेप इज क्लियर बेटा? गॉन, ये अभी नहीं है यहाँ पे 1/3 क्योंकि हमने इसको ट्रांसफर करके वहां पे पावर 3 बना दिया। अभी हमें ये चेक करना है कि क्या ये इज इक्वल टू, ओके एक्स की वैल्यू निकालो, चलो यहां से कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर?
दैट्स वेयर मैं आई फॉलोड दैट मेथड जिससे मैंने आपको पहले करवाया था। ठीक है, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं अटकने वाले हो कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। ओके ओके एंड वी आर फाइंडिंग दिस मेथड एज सिंपल कि हाँ ये अभी हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके जिनको पहले वाला मेथड समझ आ गया था जो मैंने पहले किया था, रेज योर हैंड। पहले वाला मेथड वो सिंपलर, सब कुछ आपके सामने है, पावर ट्रांसफर करो और उसको करो। प्लीज इसको आज रिवाइज करना घर जाके, ठीक है? अगर आपको डाउट लगा तो टुमारो आई विल टेल यू कि ओके फॉलो अदर मेथड। वो भी मुश्किल है जो अदर मेथड कर रहे हो। यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है आप, ठीक है? अगर द चिल्ड्रन हु आर डूइंग बाय एक्स, इट इज ओके, यू कैन डू इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको करो, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो इफ यू वॉन्ट इट। 2 रेज टू पावर 5 इंटू 15 बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे पूछी गई थी इन्होंने, दे सेड कि एक्स इज इक्वल टू 20। क्या एक्स इज इक्वल टू 20 आ रहा है? यस आपका आंसर दूर है, बस इसको कर लो, इसको खत्म करो। यस एक्स इक्वल टू 20 आ रहा है। ऑल्सो यस देखो ये मेथड समझ आ रहा है कि हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 20 निकाल सकते हैं। किनका आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 20? प्लीज रेज योर हैंड। इट्स ओके देन, टेस्ट अभी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी फॉलो करो, इट इज योर मेथड बेटा। 3 5s 15, 2 रेज टू पावर 2 ये माइनस हो जाएगी, आपने उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है? 4 5s 20, तो एक्स इज इक्वल टू 20। नाउ यू हैव डन बोथ द मेथड्स, जो मेथड आपको इजी लगेगा यू कैन फॉलो दैट। ओके यस क्वेश्चन इज, हाँ जी बेटे, एनी डाउट? आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का था, आप चाहे ऐसे निकालो चाहे पिछले मेथड से निकालो, आपको बस ये बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, आ रही है कि नहीं है, क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, बस ये बताना है। जो मर्जी मेथड फॉलो करो, इट इज अप टू यू। ओके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पावर ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रही है बिल्कुल, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन नंबर 6, 4096 रेज टू पावर 1/√3, वेरी स्ट्रेंज नंबर है ना, रेज टू पावर √2, रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 26। सबसे पहला काम है हमारा पावर्स को इजी वे में लिखना। प्रॉपर फॉर्म यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 4096 रेज टू पावर 1/√3। उसके ऊपर क्या आना चाहिए? 1/√3 तो चलो ऐसे ही है, पहले तो हम सबसे टॉप पावर जो है उसको क्लियर करते हैं। व्हाट इट शुड बी, √2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? छोटा सा नंबर है टू। यस यू नो √2 के क्वेश्चन चैप्टर में आपने किया हुआ है कि √2 का जो स्क्वायर होता है वो नंबर खुद ही होता है, उसकी पावर कट जाती है 2 से। यू नो इट, दिस इज 2, वी कैन राइट इट एज पावर 2, इसकी पावर आ गई अभी 2। नाउ व्हाट इज 1/√3 रेज टू पावर 2, व्हाट इज दिस? हम्म।
कैसे लिखोगे? 1/√3^2। कैन यू राइट इट एज? कैन यू राइट इट एज 1/3^(1/2)^2? कैन यू राइट लाइक दिस? यस, यू नो 1/√3 का मतलब है 1/3 का स्क्वायर रूट, उसके पावर 2। तो ये किसके इक्वल हुआ? 1/3 का हुआ, ये 2 2 कैंसिल हो गया। किसको ये चीज सिर्फ समझ आ गया? रेशो हैंड कि पावर खत्म हो गई, हमारे पास 1/3 बच गया। दैट्स फाइन। तो हमारे पास बचा ये 4096^√1/3। बनता जा रहा है आपके सामने। इट हैज बिकम अ सिंपल क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4096। कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड चेक कि क्या वो 26 के इक्वल आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करो। नो, इट इज नॉट इक्वल टू 26। इज नॉट? सब लोग करो। इट इज कमिंग टू 16। वेट, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी अभी आपने बोला कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं, तो सबको करने दो। फॉलो द मेथड, अपने वाला मेथड फॉलो करो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, चेक करो कि क्या 26 का क्यूब 4096 आता है। सिर्फ एक ने मेरे को आंसर बताया है, सो आई कांट बिलीव इट ना। सबको बताना चाहिए, सब बताओगे तभी मुझे विश्वास होगा कि यस, सबने, इतने बच्चों ने ट्रू किया तो वो ट्रू ही होना चाहिए, या फॉल्स किया तो फॉल्स होना चाहिए। सब लोग करो। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 6 क्लास से सीखी हुई है ना? 6 में किया, 7th में किया, 8th में, फिर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। 4096 इवन नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी बहुत सिंपल है। यू कैन डू इन रफ। मैं फॉल्स फॉल्स आज खड़े करो, किन का फॉल्स आ रहे हैं? 16 क्यूब एक्चुअली है ना, दिस इज 16 क्यूब, बट वो बोल रही है कि 26 क्यूब आना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर आपने किया हुआ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर सबको याद है बेटा? कैसे ट्रीट करते हो पावर्स को? किसको याद है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर? रेज योर हैंड। किया था हमने बहुत अच्छे से, तो यही आपका कंसेप्ट यूज होने वाला है अभी 7th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज क्यूब रूट ऑफ, इट इज अ वेरी बिग नंबर, -a^6, b^3, c^21 अपॉन c^9 एंड a^12 इज इक्वल टू -bc^4 अपॉन a^2। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर रिकॉल करो माइंड में, अपने लॉज लेके आओ कि लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करने वाले हो। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं। इट इज क्यूब रूट ऑफ, माइनस को साथ साथ रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा अभी फोकस जा रहा है कि हम पावर्स को कैसे ट्रीट करें। e^6 -12, ठीक है, b^3, c^21 -9, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अभी हम,
वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डिनोमिनेटर हैज गॉन, नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर जाके जाती है. हु हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप, रेज योर हैंड. हैव यू रिकॉल्ड कि हमने ऐसे किया था? गुड, यस. ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रीट करते हैं, फिर हम वहां पे जाएंगे. क्यूब रूट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस सिक्स, बी रेज टू पावर थ्री, सी रेज टू पावर ट्वेल्व. ओके, इसको फॉलो करते हैं पहले कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. अब आप देख रहे हो कि ए बी सी की अलग अलग पावर है, एक की माइनस सिक्स है, एक की थ्री है और एक की ट्वेल्व है. ठीक है, इसको माइनस को बाहर ही निकाल दो, बिकॉज माइनस वन है तो फिर माइनस वन का क्यूब रूट माइनस ही रहेगा, माइनस वन ही रहेगा. माइनस को वी आर टेकिंग इट आउट, राइट. तो ए रेज टू पावर यू कैन राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस सिक्स. माइनस सिक्स को वी कैन राइट इट एज, थोड़ा इजी वे में मैं आपको बता रही हूं, लुक हियर, वी कैन राइट इट एज ए रेज टू पावर माइनस सिक्स रेज टू पावर वन बाय थ्री, बी रेज टू पावर थ्री रेज टू पावर वन बाय थ्री, सी रेज टू पावर ट्वेल्व रेज टू पावर वन बाय थ्री. हमने वन बाय थ्री सबके साथ लगा दिया, जो पावर हमारे पास क्यूब रूट वाली थी उनको हमने तीनों के साथ लगा दिया. क्यूब रूट का मतलब था वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री स्कैटर होगी सबके साथ, वन बाय थ्री चला गया. लेट अस सॉल्व इट नाउ, चेक करो ए की पावर कितनी आएगी सॉल्व करके, टेल मी, कैलकुलेट करके बताओ. वेरी गुड, ए रेज टू पावर माइनस टू माइनस टू इंटू बी रेज टू पावर वन वन, वन सी रेज टू पावर फोर साइड आ गई. सो इट मीन्स आई एम डूइंग इट हेयर नाउ, लुक एट दिस साइड, इट मीन्स दिस इज कमिंग आउट टू बी बी सी रेज टू पावर फोर अपॉन ए रेज टू पावर टू. इज इट इक्वल टू राइट हैंड साइड? Is it matching to the right hand side? So this is true. Cancel beta, minus either bhi tha, udhar bhi tha, dono taraf se minus ho gaya, wahan bhi minus tha. Minus has got cancelled. Minus, minus, ye minus, aapki right hand side mein bhi minus hai. So that's why they are equal. Okay, please revise these questions at home beta. Okay? You can ask me your doubt tomorrow. और वही बच्चे डाउट पूछेंगे आई नो जो घर पे रिवाइज करेंगे. टुमारो आई विल कम टू नो किस किसने रिवाइज किया. ओके बेटा, चलो सी यू. थैंक यू मैम. बेटा बाय मैम.